hundred of reactions. जैसे मैंने आपको कोई रिएक्शन बोला कि C2O4 नेगेटिव है और MnO4 माइनस है, हाँ ठीक है, और ये बना रहा है Mn+2 एंड CO, ठीक है। मैंने इस तरीके से आपको एक रिएक्शन दे दिया और मैंने बोला कि ये वाला रिएक्शन ना H+ एसिडिक मीडियम में अकर कर रहा है। नाउ इफ आई आस्क यू टू बैलेंस दिस रिएक्शन, की बच्चों इस रिएक्शन को बैलेंस करो, सो एकदम से इसको बैलेंस करना बहुत ही टफ हो जाता है। एसिडिक मीडियम का H+ भी मैंने नहीं लिखा है, H+ भी लिखना होगा, कार्बन को, मैंगनीज को, ऑक्सीजन को, सबको बैलेंस करना है, थोड़ा सा वाटर फॉर्मेशन भी होगी, मैंने सारे प्रोडक्ट्स भी नहीं लिखे हैं इनफैक्ट, ठीक है। वाटर फॉर्म होगा, वो वाटर रिएक्टेंट साइड है कि प्रोडक्ट साइड आएगा, कहाँ आएगा। ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए इनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्पीशीज में ऑक्सीडेशन हो रही है, एक स्पीशीज में रिडक्शन हो रही है। कौन बताएगा मुझे कौन सा वाला इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कौन सा वाला इज गेटिंग रिड्यूस्ड? ये इधर ऑक्सलेट और परमैंगनेट में बताओ, इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ ऑक्सलेट में, भावना कार्बन को ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इधर ऑक्सीलेट में? इसको लिखा होगा कार्बन का x अगर मान लिया तो 2x+4 × −2 ऑक्सीजन का −2, इसका मतलब हो गया 2x = 6 और x = +3, इज इट राइट? +3 है ना बच्चों? और इधर ये जो CO2 है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इधर CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सब लोग चुप है कि लैपटॉप की वॉल्यूम कम है? मुस्कान बता बेटा, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होएगा? +4। हाँ, कॉन्फिडेंटली बोलना, 4 या 4, ऐसा कॉन्फिडेंटली। तो एक बात बताओ, +3 से +4 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है ना, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले 3 लूज कर रखे थे, अभी +4 में इसका मतलब 4 लूज कर रखे, +3 से +4। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसे तरीका मैं पे लिख देती हूं, है ना? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, एक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा तरीका फाइंड आउट करना करने का इज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ 3 से 4 जा रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। अभी पर मैंगनेट से Mn+2 में जा रहा है, पर मैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ प्लीज। कम ऑन बच्चों, जल्दी से बताओ। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? सिया, शालिनी, प्रियांशी, अंजलि मैम 7+7 होगा, वेरी गुड, ठीक है। क्या ये सबको आता है कि 7 कैसे आया? कि बच्चों मैं बताऊं, आप सब लोग चुप थे, इज एवरीवन क्लियर ये 7 कैसे हमें लिख ही देते हैं? सो मैंगनेट का अगर मुझे निकालना हो मैंगनेट का मुझे निकालना है, मैंने मैंगनीज क्या एक्स मान लिया, मुझे मैंगनीज का निकालना है इस पर मैंगनेट में, तो x+4 × −2 = −1, x − 8 = −1,
प्लस सेवन. तो मैंगनीज इधर प्लस सेवन था और प्लस सेवन से प्लस टू में जा रहा है. अगर वो प्लस सेवन से प्लस टू में जा रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन, उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, राइट, है ना. सो बच्चों यहाँ हो रहा है रिडक्शन. सो ऐसे रिएक्शंस जहां पर रिडक्शन का भी मैं ऐसा लिख देती हूँ. रिडक्शन का मतलब होता है रिग. रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है. देखो सात से दो गया या माइनस वन या माइनस टू या माइनस फोर ऐसा कुछ जाता है ना. तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है. मतलब जो अपनी नंबर लाइन नहीं होती थी उसमें पीछे की तरफ चलो. मतलब नंबर लाइन जो एक्स एक्सिस होती थी, है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर हम राइट की तरफ चल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन और लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं तो रिडक्शन. ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप ड्रॉ करो उस तरह. गॉट इट. तो हम लोग ये वाले जो रिएक्शन है जहां पर एक स्पीशीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सलेट ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और परमैंगनेट रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस करना वाला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन. पहली बात, अब मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, बताओ. Which species is the oxidizing agent? Which species is the reducing agent? दसो, कौन बताएगा? ये सब्सटेंस ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज हो रही है. जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. उस प्रोसेस को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन. सो माई क्वेश्चन इज, मैं बोल रही हूँ ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना. ऑक्सीलेट में तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना, वो प्लस थ्री से प्लस फोर में जा रहा है. और जब ये ऑक्सीडाइज कब हो रहा है, जब ये ऑक्सीडाइज कब हो रहा है, वो हो रहा है जब परमैंगनेट जो है रिड्यूस हो, मैंगनीज रिड्यूस हो. तो दिस विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. जिस सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, उस सब्सटेंस को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. और इसकी रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन कब होगी, जब ये इसको ऑक्सीडाइज करे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट. ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट. क्लियर बच्चों, वाली चीज हमने बता रखी थी, भूल गए, आई होप अभी याद रहेगा. yes, एक बार दोबारा से लिख देती हूँ. जैसे रिएक्शन इज C2FO2- और MnO4- था, सो इससे हमने CO2 बनाया और Mn+2 बनाया. सो इसके अंदर ये जा रहा है प्लस थ्री से प्लस फोर. तो यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है. तो जिस स्पीशीज की ऑक्सीडेशन हो रही हो तो उल्टा नाम है उसका, रिड्यूसिंग एजेंट. उल्टा नाम क्यों है, बेसिकली इट इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ रिडक्शन, तभी तो इसकी रिडक्शन करवा पा रहा है. और यहाँ पर ये प्लस सेवन से प्लस टू में था तो इसकी हो रही है रिडक्शन. प्लस सेवन से प्लस टू, इसकी हो रही है रिडक्शन, क्योंकि इसकी रिडक्शन हो रही है. कब होगी इसकी रिडक्शन, जब ये दूसरी वाली को ऑक्सीडाइज करेगा. अपने आप तो कोई बैठे बिठाए ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं होता है ना. कब होता है, तभी होता है जब वो खुद रिड्यूस कब होगा, जब इस वाले को ऑक्सीडाइज करे. तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिडक्शन हो रही है इसकी. गॉट इट, क्लियर एवरीवन, समझ में आया. सो ये रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. और हमें क्या करना है, ऐसे रिएक्शंस की बैलेंसिंग सीखनी है, ऐसे रिएक्शंस की बैलेंसिंग सीखनी है. ओके, सो इससे पहले क्योंकि आप ये वाली चीज भूल गए थे, मैं एक दो क्वेश्चन लिखूं. ओके बच्चों, ये वाली चीज याद है ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना, अभी समझ में आ गया ना. एक आध क्वेश्चन लिख देती हूँ और फिर मैं बैलेंसिंग करवाती हूँ, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट आगे बैलेंसिंग समझना अगर पुरानी चीज याद नहीं है, ठीक है. सो मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ.
जल्दी से आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है? जल्दी से मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। आयरन का बताओ बच्चों, Fe जा रहा है प्लस टू से प्लस थ्री में, अगर प्लस टू से प्लस थ्री में जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्रोमियम, ये जो डाइक्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट में क्रोमियम का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस सिक्स। वेरी गुड, तो ये बेटा प्लस सिक्स से जा रहा है प्लस थ्री में, अगर प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? रिडक्शन। वेरी गुड, ये है रिडक्शन। तो अब मुझे बताओ कि मैं Fe प्लस टू फेरस आयंस की ऑक्सीडेशन हो रही है, टू फेरिक बन रहा है वो, है ना? अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और इसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं और उसके अलावा रिडक्टेंट भी कहते हैं, रिडक्टेंट। और इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट, इन दोनों नाम है इसके, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपसे एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बताओ। अब दूसरी चीज जो इन बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, वो क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे ऐसे, एक सेकेंड ना, ये समझ में आ गया? मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिख के बताऊं कि किस तरह करके क्वेश्चन आता है। यस मैम, है ना? सो बच्चों को लगता है कि मैम बैलेंस करना रेडॉक्स रिएक्शंस को, वो तो स्कूल के एग्जाम्स में आना था। अभी देखो हमने तो 11th पास कर ली, तो अब तो स्कूल का सब्जेक्टिव एग्जाम है ही नहीं, अब तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही है जेई का, नीट का, इसका मतलब तो हमें सीखने की जरूरत नहीं है ये वाली चीज। तो वो जरूरी इसलिए है कि जेई या नीट में वो क्वेश्चन इस तरह करके पूछते हैं, एक्स सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव प्लस वाई एच प्लस जेड इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ए क्रोमियम का प्लस सी बी वाटर का, और फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी एक्स वाई जेड ए टू फोर्टी सिक्स टू सेवन टू वन टू टू चौदह चौदह सात सात छ छ छ टू 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 सेवन सेवन सेवन। ओके, सो इस तरह करके वो क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे एक्स वाई जेड ए बी को आइडेंटिफाई करो, और उन्होंने ये चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है? या फिर वो पता है ऐसा भी नहीं करते, ये तो मैंने आसान सा क्वेश्चन दिया है, जनरली वैसा वो पता है कैसे करके पूछ लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए माइनस बी, ऐसे बता दो। चलो देखो वो और कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्यों कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि इनमें से तो कोई ना आप एक एक लगा कर देख सकते हो कि चलो मैं टू यहाँ रखती हूँ, फोर्टीन यहाँ रखती हूँ, सिक्स इधर रखती हूँ, टू इधर, सेवन इधर, अभी सॉल्व करके देख कोशिश करती हूँ, है ना? उससे नहीं बनी, फिर ऐसा ऐसा करके करती हूँ। तो इसमें तो फिर भी करना आसान है, अदरवाइज क्वेश्चन कई बार वो ऐसे ही पूछ रहे थे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू बता दो, इन टीचर वाला जो क्वेश्चन आ जाते हैं जेई के अंदर। तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना समझना जरूरी है कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं। गॉट इट? क्वेश्चन का टाइप समझ में आया कैसा आएगा, है ना? अब हम लोग अब समझते हैं बैलेंस करने के तरीके। रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए ना दो मेथड्स है, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों तरीके समझा रही हूँ, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले पहला तरीका इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, जिसको हाफ रिएक्शन
मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू बैलेंस द रिएक्शंस। तो वो मैं स्टेप्स लिख रही हूँ, वो स्टेप्स आपको याद करके, ठीक है, ओके। स्टेप्स मैं साथ साथ समझाती भी जाऊं, ठीक है। सो स्टेप्स, ठीक है, स्टेप नंबर वन, राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। जो इक्वेशन है ना उसको आयन्स के टर्म्स में लिखो। देखो मैंने जब भी ये वाला एग्जांपल दिया था तो इसमें ऑलरेडी मैंने आयन्स ही लिख रखे हैं। मैं क्या ऐसा भी लिख सकती थी कि ये Xcr2O7 नेगेटिव है ना, उसकी जगह यहाँ पर मैंने लिखा होता K2 और फिर ये -2 हट जाता है ना, या फिर इधर H प्लस की जगह लिख देते हम YHCl, ठीक है, और ऐसे ही Cr प्लस की जगह लिख देते AcrCl3, है ना, ऐसे करके भी लिख सकते थे। तो ऐसे तो अपना कंप्लीट वाला इक्वेशन हो गया, वैसा मत लिखो। आप क्या करो, उसको आयन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें बैलेंसिंग आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ के और ऐसे यहाँ पर कुछ KCl और बन रहा होगा, ठीक है, तो वो यहाँ का के और वहां का के एज इट इज कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने की हम मेहनत नहीं करना चाहते। इसलिए हम पहले ही जो इक्वेशन है उसको आयन्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर टू, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ना आप आइडेंटिफाई करो, जैसे यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया ना कि पुराने वाले केस में पर मैंगनेट में से मैंगनीज हो रहा है रिड्यूस और कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज। ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर लो स्पीशीज, कौन सी वाली ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी वाली रिड्यूस हो रही है, ठीक है, ओके। स्टेप नंबर थ्री, ठीक है, स्टेप नंबर थ्री अपना है सेपरेट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर लो इनटू टू हाफ्स, टू हाफ रिएक्शंस। मतलब आपको बेसिकली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों के दोनों लिखे, मतलब राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी लिखो और फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी लिखो। और उसके बाद स्टेप नंबर फोर, बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस सेपरेटली, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस सेपरेटली। अब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली बैलेंस करना है। अब वो बैलेंस करने के स्टेप्स में और इधर आगे लिखती हूँ। क्या किया, सबसे पहले तो आप जो इक्वेशन है उसको आयन्स की फॉर्म में लिख लो। स्टेप वन, आयन्स की फॉर्म में लिखने के बाद सबको ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और फिर आइडेंटिफाई करो कौन सा वाला एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा वाला एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दो अलग से, जहां पर रिडक्शन हो रही है उसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दो अलग से, और फिर उसको हम बैलेंस करेंगे।
अब इनको बैलेंस करने के जो स्टेप्स है वो इधर लिख देते हैं, ठीक है, स्टेप्स टू बैलेंस इट, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के जो भी एलिमेंट, जैसे पुराने वाले में मैंगनीज था, क्रोमियम था, कार्बन था, उनको बैलेंस करो. ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी भूल जाओ, पहले हमको बाकी के एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं. बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना बहुत आसान है, पानी ऐड करके, एच प्लस ओ एच माइनस ऐड करके, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस ऑक्सीजन बाय adding water molecules to the side which is deficient in oxygen. Balance hydrogen by adding H plus ions to the side deficient in hydrogen. अभी मीनिंग समझा रही हूं इसका. Balance charge by adding electrons. Okay, next page पे मैं जाना पड़ेगा, मुझसे मैं छोटा कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि स्टेप सारे एक ही पेज पर आ जाए बच्चों, ठीक है. ओके ठीक है, थोड़ी सी जगह बन गई, अब मेरा काम हो चुका. ओके, यहाँ तक समझ में आया था, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. सबसे पहले तो ना रिएक्शन को आयंस की फॉर्म पे लिखो, स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर टू, सबके ऊपर सारे के सारे स्पीशीज जितने भी है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, सब में ना एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, फिर चेक करो कौन सा वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा वाला रिड्यूस हो रहा है. जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो अलग से, जो चीज रिड्यूस हो रही है उसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो अलग से, वो लिख लोगे, ठीक है. अभी बैलेंस नहीं है. अब बैलेंस कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो जितने भी एलिमेंट्स हो, कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा, मतलब उसको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करो. सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है, कुछ बस हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम हाफ रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं. कैसे, मैंगनीज, क्रोमियम, कार्बन, इनको बैलेंस करो सबसे पहले. उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को कैसे करोगे, चेक करो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, जहां पर ओ ज्यादा है कहीं पर ओ कम होगा, तो जिधर ओ कम हो उतने उस साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, ठीक है, बढ़िया. ऑक्सीजन बैलेंस करो. फिर अब बचा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे, जिस साइड हाइड्रोजन की कमी हो उस साइड H प्लस आयंस ऐड कर दो. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एसिडिक मीडियम के लिए, कि एसिडिक मीडियम में वैसे करना है, तो जिधर साइड हाइड्रोजन कम थे वो साइड पे आपने H प्लस आयंस ऐड कर दिए. ओके डन. अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, अब बचा चार्ज. चार्ज को बैलेंस करना है. चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, जिस साइड, एक साइड पॉजिटिव होगा एक साइड नेगेटिव होगा, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना वो साइड उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, ठीक है, ई माइनस, क्योंकि हम लोग ई तो ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को लिख दो और फिर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है. अच्छा, अभी इसी के अंदर एक और स्टेप बचा है बच्चों, तो मैं वो वाला स्टेप भी लिख दूं. So, और यही वाली चीज अभी हम लोग 5-6 एग्जाम्पल्स करेंगे कम से कम, ठीक है, और तब भी नहीं हो तो और एग्जाम्पल्स करते जाएंगे, ठीक है. ये हो गया बैलेंस चार्ज, ठीक है. उसके बाद एड द टू हाफ रिएक्शन सच दैट 1, 2, 3, 4. उसके बाद स्टेप नंबर 5 में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि फोर्थ के ये चार स्टेप्स थे. उसके बाद स्टेप नंबर 5, एड द टू हाफ रिएक्शंस सच दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसिल्ड, ठीक है. इस तरह कर ऐड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए और
above steps are for acidic medium. If the medium is basic, if the medium is basic, add same number of OH minus ions as there are H plus ions. तो बच्चों जितने H plus ions थे ना उतने ही आप OH minus ions add कर दोगे, ठीक है, बेसिक मीडियम के लिए. ये अपना है. अब मैं ना इसको एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये सॉल्व कैसे कर रहे हैं. जल्दी से ये नोट डाउन कर लो, ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लिख लिया. अभी एग्जांपल से सॉल्व करें. यस मैम. चलो अब हम शुरू करते हैं. तो वही वाला एग्जांपल ले रही हूँ जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले. तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन इज MnO4 माइनस प्लस C2O4 टू नेगेटिव, और हम आपको बता रहे हैं कि ये एसिडिक मीडियम है और आपको Mn जा रहा है प्लस टू में और कार्बन बन रहा है CO2. ये हमारा रिएक्शन है और इसको हमको बैलेंस करना है. नाउ सबसे पहले तो स्टेप नंबर वन, इसको आयंस की फॉर्म में लिखो. तो बहुत ही बढ़िया, ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में लिखा हुआ है. तो ये स्टेप तो हो गया हमारा. नेक्स्ट स्टेप करते हैं. अब सारे एलिमेंट्स के जो स्टेप्स लिखे थे पीछे, सबका ना ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वाला एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा वाला एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पर मैंगनीज का है प्लस सेवन, कार्बन का होगा कितना माइनस एट, माइनस सिक्स, प्लस सिक्स, प्लस थ्री. यहाँ पर है प्लस टू और यहाँ पर है प्लस फोर. तो प्लस सेवन से प्लस टू हो रहा है रिडक्शन और यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन. ठीक है, सो हमारे बच्चों हमने ये वाला कर लिया पूरा का पूरा. ठीक है, सबसे पहला स्टेप था कि रिएक्शन को आयंस की फॉर्म में लिखो, वो हम लिख चुके हैं. उसके बाद सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और फिर आइडेंटिफाई करो कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा वाला रिड्यूस हो रहा है. उसके बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक करो, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, और उनको सेपरेटली बैलेंस करना है. ठीक है, सो यहाँ पर MnO4 माइनस ना रिड्यूस हो रहा है तो मैं ना इसको पहले रिडक्शन हाफ को लिख रही हूँ. ओके, रिडक्शन हाफ को लिख लेते हैं MnO4 माइनस गिव्स Mn प्लस टू, और ऑक्सीडेशन हाफ को लिख लोगे आप C2O4 टू नेगेटिव गिव्स CO2. ठीक है, सो ये हमने लिख लिया MnO4 माइनस और C2O4 टू नेगेटिव, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ. क्लियर, ये वाली बात बच्चों सबको समझ में आई? आगे बढ़ा जाए. यस यस. ओके चलो, अब वहां पर हमने कहा सबसे पहला स्टेप इज कि जो बाकी के एलिमेंट्स है ना एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, पहले उनको बैलेंस करना है. चलो इस वाले रिडक्शन हाफ को पहले बैलेंस करना है. यहाँ पर एक मैंगनीज है, यहाँ पर एक मैंगनीज है, तो मैंगनीज तो बैलेंस्ड है. करें, बहुत बढ़िया. तो इसकी हमें कोई चिंता नहीं, मैंगनीज इज कंप्लीटली बैलेंस्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ कितने ऑक्सीजन है, चार, और यहाँ पर कितने है, जीरो. तो ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है, हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. कैसे करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस? जिस साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो, जिस साइड ऑक्सीजन की कमी हो, वो वाली साइड
आप वॉटर मॉलिक्यूल्स एड कर दो, H2O को एड कर दो। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम 4H2O लिख दे तो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, करेक्ट है ना? यस मैम, गुड, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अपना काम खत्म। मैंगनीज तो बैलेंस्ड ही है, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 8, 4 2 8, और यहाँ पर एक भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ, 8H+ ये बैलेंस कर दिया। क्या मैंगनीज ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब के सब बैलेंस्ड है? देखो ध्यान से, एक मैंगनीज, 4 ऑक्सीजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, सारे के सारे यार बैलेंस्ड, बहुत ही बढ़िया है ना। अब हमको ना चार्ज बैलेंस करना है, हर तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, एलिमेंट्स ही नहीं, हमको चार्ज देखना होता है। अभी ये साइड देखो, 8 पॉजिटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव, तो टोटल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, 8 - 1, 7 पॉजिटिव चार्ज हुआ ना ये साइड में, करेक्ट? ये चार्ज बैलेंस करना समझे, 8 और +1 है, तो 8 × 1 = 8 और -1, तो 8 - 1 = 7, तो 7 चार्ज हुआ, ओके। अब यहाँ पर देखो, इधर है, मैं चार्ज लिख देती हूँ, ये साइड है +7 चार्ज और ये साइड चार्ज कितना है इसका, 2, तो +2 चार्ज है, +7 और +2, तो हमको चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे लेफ्ट साइड में, है ना? और इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड करेंगे हम, बहुत ही इजी, यहाँ पर हम लोग साथ में 5 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। आई होप ये समझ में आया हो। यहाँ पर 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 7 पॉजिटिव हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 5 नेगेटिव, 7 में से 5 गए 2, तो इधर +2 चार्ज है, इधर भी +2 चार्ज है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया, करेक्ट? समझ में आया? यस। चलो ओके, अब हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। लेट्स बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ, ओके। चलो सबसे पहले क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को जो है बैलेंस करो एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बच्चों 2 कार्बन है और 1 कार्बन है, कार्बन ही बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे तो बाद में आएंगे हम, 2 कार्बन, तो फिर यहाँ पर आपने लगा दिया 2, तो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, कार्बन इज बैलेंस्ड, बहुत बढ़िया। अब देखो ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में, 4, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड ही है, कोई टेंशन नहीं। अब करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस, अरे हाइड्रोजन है ही नहीं किसी भी साइड, तो बैलेंस हो गया, काम खत्म। अब क्या बचा, चार्ज बैलेंस करना। चार्ज कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, उधर अगर 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर ऐसा करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन कितने थे, अब वो बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। क्या किया हमने, देखो स्टेप समझना, क्योंकि एक में इतना टाइम लगा रही हूँ, बाकी तो फटाफट करूंगी मैं, ठीक है? ध्यान से समझ लो, सबसे पहले रिएक्शन को आयंस की फॉर्म में लिखो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो स्टेप नंबर 2, फिर आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा वाला रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, रिडक्शन हाफ लिखो, ठीक है? रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को सेपरेटली बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे सेपरेटली, सबसे पहले तो सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर दो एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, पहले एलिमेंट्स को, बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करो, ओ और एच को मत छेड़ो। फिर ओ को कैसे बैलेंस करोगे, जिस साइड ओ की कमी हो उस साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, कैसे करोगे, जिस साइड एच की कमी हो उतने एच प्लस आयंस बैलेंस कर दो, ठीक है? और लास्ट चार्ज बैलेंस करना है, 4 स्टेप्स है ना, सबसे पहले एलिमेंट्स अदर देन ओ एंड एच, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज, चार्ज बैलेंस कर दिया, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। अब ये तो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ हो गया बैलेंस्ड, वेरी गुड। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, अब ना हमको तो देखो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए ना, हमको अलग अलग थोड़ी बैलेंस करना है ना, और कभी भी ना इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते, तो हम लोग को क्या करना होता है, इन दोनों को हमको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, इस तरह ऐड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कट जाए। कैसे कटेगा,
यहाँ पर पांच इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है, फाइव और टू का एलसीएम क्या होता है? कौन से नंबर से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं, कौन से नंबर से दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कट जाए? इसको टू और इस वाली को फाइव से, है ना? चलो अब हम लोग ऐड करते हैं, वेरी गुड, चलो हम ऐड करते हैं। पहली वाली को टू से मल्टीप्लाई करना है, टेन इलेक्ट्रॉन्स, 16H plus, 2MnO4 negative, ठीक है, gives 2Mn plus 2, 4H2O, और नीचे वाली को 5 से करना था तो इसी में ऐड कर रही हूं, 5 अपना C2O42 negative, और इधर हो गया 5 2 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा ना मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी इलेक्ट्रॉन्स काटने होंगे, ठीक है? और इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसा करके लिख देते हैं, लाइन नहीं खींचते, लाइन अच्छी नहीं लग रही, तो इसी इक्वेशन को लिख देते हैं कैसे, इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स कट गए, तो बचा क्या, ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O42 नेगेटिव प्लस 16 अपने H प्लस gives twice Mn plus 2, 10 CO2, 8 H2O. तो ये हमारी आ गई final balanced equation, ठीक है? ये हमारी आ गई final balanced equation. देखो इधर दो manganese है, हाँ इधर दो manganese है, कार्बन कितने हैं, 5 2 10, हाँ कार्बन 10 है, ऑक्सीजन देख लो, 2 4 8 इधर और 5 4 20, 20 प्लस 8 हो गया 28, 28 ऑक्सीजन इधर है, 10 2 20 प्लस 8, 28 ऑक्सीजन इधर है, हाइड्रोजन चेक कर लो, 16 और इधर 8 2 16, बढ़िया, एलिमेंट सारे बैलेंस्ड हैं। अब चार्ज चेक करो, माइनस 2 और 5 × 2 इज माइनस 10, तो माइनस 2 और इधर माइनस 10 और इधर प्लस 16, 16 में से 10 गए 6, 6 में से 2 गए 4, और इधर वाली में 2 2 4, वेरी गुड, चार्ज भी बैलेंस्ड है, इसका मतलब अपना रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ऑलराइट, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल करें, इसमें कुछ डाउट पूछना है, कोई चीज एक्सप्लेन करूं, सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ये मत सोचना जो कि भाई ये तो बैलेंसिंग हमारा सब्जेक्टिव में ही आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है बैलेंसिंग, ठीक है? चलो समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। यस, उससे पहले अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बारी इसको कोशिश कर देखोगे, ठीक है? और एक सेकेंड मैं ऐसा करती हूँ, इस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, ठीक है? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस एच प्लस है, प्लस इसके आगे एक्स, इसके आगे वाई, यहाँ पर है जेड इलेक्ट्रॉन्स, गिव्स ए क्रोमियम, बी वाटर, ओके, एक्स वाई जेड ए बी बताओ, इसके अंदर ना एक ही रिएक्शन दे रखा है, आई थिंक दिस इज ओनली रिडक्शन हाफ, तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, ये थोड़ी बोला है कि पूरा ही बैलेंस करना जरूरी करना है, आप रिडक्शन हाफ ही उन्होंने दिया, तो रिडक्शन हाफ को ही बैलेंस कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ऑक्सीडेशन हाफ है ही नहीं, डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा,
बहुत ही आसान हो गया। मैं दो मिनट दे रही हूँ, पहले एक बार कोशिश कर लो, फिर आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो डाइक्रोमेट है Cr2O7 नेगेटिव, सो डाइक्रोमेट में क्रोमियम का है प्लस 6 और ये जा रहा है प्लस 6 से प्लस 3, प्लस 6 से प्लस 3 में जा रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन, रिडक्शन है ना, चलो रिडक्शन, चलो ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं इसको उठाती नहीं ऊपर का, अपने आप से ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली चीज इधर सबसे पहले क्या करना है, आयंस की फॉर्म में लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, रिडक्शन हाफ लिख लो, हमने रिडक्शन हाफ लिख लिया। अब इसको बैलेंस करते हैं, इधर कितने क्रोमियम 2 और इधर क्रोमियम 1, तो 2 है, तो चलो इसको भी 2 बना देते हैं, बहुत बढ़िया हो गया काम। अब वो क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 7, यहाँ एक भी नहीं है, 7 ऑक्सीजन कर दिए पानी ऐड कर। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ 7 × 2 = 14, तो यहाँ आप 14H+ कर दो, बहुत बढ़िया हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करोगे, एलिमेंट्स अदर देन O एंड H बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड पानी ऐड करके, हाइड्रोजन बैलेंस्ड बाय एडिंग H+ आयंस। अब बचा चार्ज, चौथा चार्ज कितना है, यहाँ पर कितना है प्लस 14 और माइनस 2 यानी कि प्लस 12 और इधर कितना है प्लस 6, तो यहाँ 12 है, यहाँ सिर्फ 6 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं, कितने करूं बोल दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, तो 12 है ना, तो माइनस 6 तो 6 हो जाएगा ना, और इधर भी 6, तो बैलेंस्ड, वेरी हैप्पी, देखो निकल गया XYZAB, ठीक है, इजी एकदम सॉल्व हो गया। ऑलराइट, समझ में आया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अब हम। यस मैम। अच्छा, 2-3 एग्जांपल्स और एसिडिक मीडियम के करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे बेसिक मीडियम में। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, ठीक है, चलो फटाफट से करो ये वाला। अब Fe+2 + Cr2O7 2- Fe+3 और क्रोमियम भी प्लस, Fe जब भी प्लस टू में होता है ना, तो इसको बोलते हैं फेरस, और जब भी Fe प्लस थ्री में होता है तो इसको बोलते हैं फेरिक, फेरस के आयंस और फेरिक के आयंस, ऐसे, ठीक है, Fe प्लस टू वाला और Fe प्लस थ्री वाला। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, यू हैव 2 मिनट्स, एक बारी खुद से करो, देन आई विल डू इट। अभी हम शुरू करें, ठीक है, Fe इधर प्लस टू है, यहाँ पर क्रोमियम है -14 - 12 + 12 + 6, यहाँ पर है प्लस थ्री और यहाँ पर भी है प्लस थ्री, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, Fe आयरन, तो यहाँ पर ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन हाफ और ये हो गया रिडक्शन हाफ, ठीक है, चल अभी पहले ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस करते हैं, वो तो बहुत ही आसान है, ऑक्सीडेशन हाफ, ओके, Fe प्लस टू से जा रहा है प्लस थ्री में, इतना आसान, इतना आसान, आयरन को बैलेंस करो पहले, उधर भी एक आयरन इधर भी एक आयरन, आयरन बैलेंस्ड, नेक्स्ट अब क्या करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, है ही नहीं किसी भी जगह, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, इधर भी नहीं है तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, अभी चार्ज बैलेंस करो, इधर प्लस टू है इधर प्लस थ्री है,
उधर दो पॉजिटिव इधर तीन पॉजिटिव, तो किधर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं? Fe+3 में प्रोडक्ट साइज है ना, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और अपना ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस्ड, ठीक है। चल अभी लिखते हैं रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ अच्छा तो सेम ही है, तो हो ही गया होगा, दो क्रोमियम एक क्रोमियम, तो सबसे पहले तो क्रोमियम को बैलेंस करते हैं बाय राइटिंग टू, क्रोमियम बैलेंस। अभी इधर कितने हैं? 7 ऑक्सीजन, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7H2O। अब हाइड्रोजन को देखो, इधर 7 2s are 14 और इधर भी 14 लिख देते हैं, 14H+। अब चार्ज बैलेंस करना, आप मुझे बताओगे कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखू, कितनी साइड लिखू? मैम 6 इलेक्ट्रॉन। किस साइड? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है ना, वेरी गुड। लेट मी चेक, 14 पॉजिटिव, 6 तो नेगेटिव है, 14 पॉजिटिव और इधर -2, कितना बन रहा है? 14 में से 6 गए 8, 8 में से 2 गए 6 और इधर 2, 3 का 6, तो अपना चार्ज भी हो गया बैलेंस्ड। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू इज वी हैव टू दोनों रिएक्शंस को ऐड करना बाय कैंसलिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये मेरा इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 2, यहाँ पर 6 है यहाँ पर 1 है, सिंपली इस वाली को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 उधर कट जाएंगे, है ना। सो लेट्स राइट दिस, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 Fe+2 प्लस इधर कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14H+ प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स 6 Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 क्रोमियम के आयंस प्लस 7 वॉटर। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसको काट देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स कट गए, फाइनल इक्वेशन लिख रही हूँ, फाइनल इक्वेशन इज 6 Fe+2 14H+ Cr2O7 2 नेगेटिव 6 Fe+2 2 क्रोमियम के आयंस एंड 7 वाटर, जो फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको मुझे बड़ा कर देती हूँ, ये अपनी फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हट रही हूँ साइड से। ये अपना फाइनल बैलेंस इक्वेशन, डन। अभी लास्ट रिएक्शन एसिटिक मीडियम का दे रही हूँ, जिसके अंदर आप भी लोग मुझे फाइनल आंसर बताओगे, और फिर मैं चलूंगी बेसिक मीडियम पे और उसके बाद डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है। ओके, नोट दिस डाउन क्विकली, कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। डन मैम। डन, चल लास्ट रिएक्शन मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर हमको सिर्फ इतना गिवन है, कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2+ water, हमको ये गिवन है, हमको नहीं बताया उन्होंने एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है, बट एक बात बताओ, अगर उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिखा है तो एसिडिक मीडियम होगा कि बेसिक मीडियम होगा? एसिडिक है ना, क्योंकि नाइट्रिक एसिड लिखा है ना, इसलिए तो एसिडिक मीडियम होगा। ओके, तो ये तो अपना काम चल गया। अब
अभी हमको ये वाली इक्वेशन ना आयंस की फॉर्म में नहीं दे रखी है, हमको तो सबसे पहले स्टेप यही होता है कि आयंस की फॉर्म में लिखेंगे, है ना, तभी तो हमको फायदा होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको आयंस की फॉर्म में लिखते हैं। आयंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टेप नंबर वन, आयंस की फॉर्म में कॉपर तो ऐसे ही छोड़ा, ये है नाइट्रिक एसिड। अभी नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, वो क्या देता है? H प्लस आयंस और नाइट्रेट आयंस। तो मैंने इसको NO3 माइनस लिख लिया, ठीक है, और H प्लस आयंस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिएक्शन में बाद में अपने आप तो आ ही जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही लिख, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट क्या है? एसिड है? नहीं। बेस है? नहीं। सॉल्ट है? यस। तो अगर ये सॉल्ट है तो ये कॉपर आयंस और नाइट्रेट आयंस में टूटेगा, तो इसको हमने कॉपर आयंस लिख लिया और नाइट्रेट आयंस लिख लिया, ठीक है ना। नाइट्रेट आयंस लिखना जरूरी नहीं, बिकॉज एक साइड तो लिखा ही है ना, और इवेंचुअली लेफ्ट या राइट कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, सो डोंट वरी। तो मैं यहाँ से इसको नाइट्रेट आयंस को मिटा दूँ, ठीक है, अपने आप ही उसको जिधर आना होगा ना वहां पहुंच जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद NO2 को नहीं तोड़ सकती मैं, वो आयनिक कंपाउंड है, वो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, रेडिश ब्राउन कलर की है। तो इसको तो ऐसे ही लिख दिया, और वाटर भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आयंस चाहिए हमें। तो हमने इस तरीके से रिएक्शन लिख दिया। अब आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, ठीक है। सो इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जीरो है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? फाइव, प्लस फाइव, है ना। तो ये हो गया प्लस फाइव, यहाँ पर है प्लस टू, और NO2 में होगा प्लस फोर। तो जीरो से प्लस टू जा रहा है ऑक्सीडेशन, प्लस फाइव से प्लस फोर जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, घट रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा जीरो से दो तो ऑक्सीडेशन, घटा पांच से चार तो रिडक्शन, घट रहा है तो रिड्यूस हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हमको बैलेंस करना है। चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, ये तो बहुत ही आसान है ऑक्सीडेशन हाफ, तो क्यों, कॉपर से गया कॉपर प्लस टू, कॉपर कॉपर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, चार्ज इधर जीरो है इधर प्लस टू है, तो इलेक्ट्रॉन्स कट दिया, चार खत्म, ये तो हो गया। अब लेट्स राइट डाउन रिडक्शन हाफ, प्लीज बच्चे दो मिनट खुद से भी करो। तो रिडक्शन हाफ में लिखना है नाइट्रेट आयंस से NO2, प्लीज एक बार ही कर लो। अभी मैं कर रही हूँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस, कोई डेज इधर तीन ऑक्सीजन इधर दो ऑक्सीजन, अब क्या करूं, किधर वाटर ऐड करूं, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में, है ना। तो मैंने यहाँ पर तीन लिख दिया, मैंने इधर तीन है इधर दो है, तो मुझे एक ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होगा ना, मस्त बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। चलो अब क्या करें, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन दो और एक तीन, तीन तीन बैलेंस, हाइड्रोजन इधर है दो इधर एक भी नहीं, सो आप लिख दोगे यहाँ पर 2H plus ions, तो आपने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिए। नेक्स्ट, अब क्या बचा, चार्ज, ओके, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव, यानी कि प्लस वन चार्ज है, तो यहाँ पर ना मैं एक इलेक्ट्रॉन लिख देती हूँ। नाउ द चार्ज इज ऑल्सो बैलेंस्ड, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, चार्ज भी बैलेंस्ड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे ऐड, कैसे करेंगे, तो इसको यहाँ लिख लिया और इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ एक ही है, तो इस वाली को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
सो रिएक्शन कितना हो जाएगा, कॉपर प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स प्लस टू इंटू टू फोर एच प्लस प्लस टू नाइट्रेट आयंस गिव्स टू एनओ टू टू वॉटर. तो ऐसा करते हैं, इसको अभी हम लिख लेते हैं कैसे, दो इलेक्ट्रॉन से उधर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, अच्छा उधर तो वो नहीं लिखा रिएक्शन, तो इधर Cu2 प्लस रह गया था और टू इलेक्ट्रॉन्स बच गए थे, ये मैंने लिख दिया. एक बार चेक कर लूं, इधर का कॉपर कॉपर है, ये वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना था, दो इलेक्ट्रॉन्स 2 टू 4 एच प्लस और दो नाइट्रेट आयंस, ठीक है. उधर है कॉपर आयंस एंड दो इलेक्ट्रॉन्स और इधर है 2 NO2 और 2 वाटर, ठीक है बच्चों. सो ये हो गया, इसको हम लिख देंगे कॉपर प्लस 4 एच प्लस 2 नाइट्रेट आयंस गिव्स Cu प्लस 2 2 NO2 और 2 वाटर, ओके. तो ये आ गया हमारा फाइनल रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में प्रॉब्लम है कि हमको तो चाहिए था रिएक्शन ऐसा, ठीक है. मैं ये वाली चीज का यहाँ शिफ्ट कर लूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, ठीक है. और इसको भी मुझे, मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है. आई होप यू डोंट माइंड. इसको मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है. और अब हमको ना ये बिना फाइनल रिएक्शन, अभी हमको प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने तो ऐसे आयंस की फॉर्म में लिख दिया, बट उन्होंने एग्जाम में जो दिया उन्होंने तो इस तरह कर दिया ना, उसपे आयंस दिए ही नहीं है, उन्होंने तो इस तरह कर दिया है. तो कोई बात नहीं, हम ऐसे करके कन्वर्ट कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पर कॉपर को तो एज इट इज छोड़ सकते हैं, बहुत बढ़िया. यहाँ चार एच प्लस है और दो नाइट्रेट आयंस है. अब नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रेट एनओ थ्री माइनस और एच प्लस, दो नाइट्रेट है तो इसके साथ दो एच प्लस ले लेते हैं हम, दो एच प्लस ले लिए तो फिर टू एच एनओ थ्री बन गया और बचे कितने, दो एच प्लस, ठीक है. और इसको लिख दिया सी यू प्लस टू, दो एनओ टू और दो वॉटर, ठीक है. ये हमारा हो गया. अब फिर से देखो बच्चों, यहाँ पर कॉपर प्लस टू लिखा है लेकिन वहां पर तो कॉपर नाइट्रेट चाहिए ना, एनओ थ्री वाला चाहिए कॉपर नाइट्रेट. तो क्या करें, नाइट्रेट आयंस ऐड करते हैं. कैसे ऐड करें, एक कॉपर को कितने चाहिए, दो नाइट्रेट चाहिए ना, तो हम लोग दो नाइट्रेट ऐड कर देते हैं, टू नाइट्रेट आयंस. बट हम एक ही साइड नहीं ऐड कर सकते, इतनी मुश्किल से बैलेंस किया तो हमको बैलेंसिंग मेंटेन करनी है. तो अगर यहाँ दो नाइट्रेट ऐड करे तो यहाँ भी तो दो नाइट्रेट ऐड करने पड़ेंगे. सो अब क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस दो एच प्लस और दो नाइट्रेट, मतलब हो गया दो नाइट्रिक एसिड, दो और दो चार, तो चार नाइट्रिक एसिड गिव्स ये और ये मिलकर बन गया कॉपर नाइट्रेट प्लस टू एनओ टू प्लस टू एच टू ओ. हेंस नाउ अब ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. तो यहां से आपको एक एग्जांपल हमने ये वाला भी कर लिया कि अगर रिएक्शन हमको ना कंपाउंड फॉर्म में दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमको आयंस नहीं दे रखा, तो हम लोग किस तरह कर आयंस निकालते हैं. आयंस निकालने के बाद हम लोग वापस उसे मॉलिक्यूल वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. नोट दिस डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं. एक होमवर्क के लिए दे दूं, ऐसा सही जिसके अंदर आप लोग आयंस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है. ये लिख लिया सबने, मैं मिटा नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं. यस मैम. चलो ओके. सो कॉपर का ही लिख रही हूँ, पिछली बार तो डाइल्यूट नाइट्रिक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड था ना, इस बार ही मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया. जब भी हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो वो बना लेता है कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. अभी देखो ये वाला रिएक्शन पुराने वाले से डिफरेंट कैसे. पिछले वाले में था जो नाइट्रिक एसिड लिया था हमने, वो कॉन्सेंट्रेटेड लिया था,
जब भी हम लोग नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं ना, तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता है आंसर इसका क्यों होता है? अगर हमने लिया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बाय क्यों? क्योंकि इधर नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फाइव, है ना. नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसने प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर अटेन कर लिया, मतलब उसने पांच इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रखे, पांच, विच इज द हाईएस्ट नाइट्रोजन के लिए. अब वो इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता है, अब वो केवल गेन ही कर सकता है. अगर वो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो इसका मतलब उसकी रिडक्शन हो रही है, और अगर वो रिडक्शन हो रही है तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब जो प्रोसेस हो रहा होता है उसका उल्टा नाम बोलते हैं हम. उसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो हो रही रिडक्शन, और रिडक्शन होगी तो इसका मतलब इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और कॉन्सेंट्रेटेड वाली फॉर्म में ना, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखते तो इट एक्ट्स एज एन एसिड. क्यों? क्योंकि वो एसिड की फॉर्म में क्यों ऐड करते हैं, यहाँ पर डाइल्यूट है ना, तो बहुत सारा पानी है, ठीक है, खूब सारा पानी है, और उसके अंदर थोड़े से मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो अब जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे ना काम करके, अब इसकी क्षमता बढ़ जाती है एच प्लस आयंस को डोनेट करने की. बहुत इजिली एच प्लस आयंस डोनेट करता है, ठीक है. अभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ये, ठीक है. तो इसलिए तो पहले मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो कॉपर से ये बना था, यहाँ पर सिंपली वो है तो इधर बनाता है नाइट्रिक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बनाता है ये. अब ये वाला रिएक्शन को आप अपने आप से आयंस की फॉर्म में लिखना और इसको बैलेंस करना, ठीक है. या तो व्हाट्सएप कर देना मुझे, या फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, अल्कलाइन मीडियम वाला डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन लिखे है सबने ना, अभी मैं अल्कलाइन मीडियम वाला लिख रही हूँ क्वेश्चन, मैं मिटा रही हूँ. ओके, सो वी आर, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स करे हैं सारे के सारे एसिडिक मीडियम के कर रहे हैं, अब हमें बेसिक मीडियम का करना है. बेसिक मीडियम का स्टेप बिल्कुल सेम है जो एसिडिक में चला, बस एंड में जिस साइड पे एच प्लस ज्यादा थे, जितने ज्यादा थे उतने ज्यादा OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दो, सिंपली इतना. H प्लस OH माइनस मिलकर वाटर बनता है. मैं एक सेकेंड लिखती हूँ, एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ. ब्रोमाइड है MnO4 माइनस गिव्स, और इधर मैंने लिख दिया बेसिक मीडियम, और Br O3 नेगेटिव और MnO2, ये मैंने रिएक्शन लिख दिया, ठीक है. So, इसको आपको बैलेंस करना है. शुरुआत के स्टेप्स बच्चों डिटो सेम रहेंगे एसिडिक मीडियम वाले, खुद से करो. पूरा का पूरा फाइनल रिएक्शन मुझे बताओ, पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिखो, उसको बैलेंस करो, फिर उन दोनों को ऐड करो कि इलेक्ट्रॉन्स कट जाएं, और फाइनल रिएक्शन मुझे बताओ फटाफट से एच प्लस के साथ में क्या बन रहा है. क्विकली डू इट. सो यहाँ पर Br का है माइनस वन, मैंगनीज का है प्लस सेवन, इधर है ब्रोमीन का प्लस फाइव, और इधर है प्लस फोर, ठीक है. नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमीन का और ऑक्सीडेशन माइनस वन से प्लस फाइव, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, एक्स एक्सिस के राइट में चल रहा है, और मैंगनीज का और है प्लस सेवन से प्लस फोर, लेफ्ट में चल रहा है, तो रिडक्शन. चलो पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ. ओके, ऑक्सीडेशन हाफ कैसे लिखेंगे, Br माइनस से बन रहा है Br O3 नेगेटिव, ठीक है, माइनस वन से प्लस फाइव. हाँ, ब्रोमीन एक एक बैलेंस्ड, तीन ऑक्सीजन तो फिर तीन वाटर ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस्ड. हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं, तीन दुनी छह, यहाँ एक भी नहीं है, तो छह H प्लस. देखो अभी मैं लिख रही हूँ H प्लस, हमको अल्कलाइन मीडियम में करना है बेसिक मीडियम में, बट कोई बात नहीं बाद में कर दूंगी, ठीक है. पहले अभी मैं छह H प्लस ही लिख, अभी चार्ज देखो इधर माइनस वन है, इधर भी माइनस वन है, पर ये छह पॉजिटिव है,
तो ऐसा करते हैं, छह नेगेटिव कर देते हैं। सो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ की बैलेंसिंग, Br माइनस, फिर तीन वॉटर, फिर ब्रोमेट, छह एच प्लस और छह इलेक्ट्रॉन्स। चलो ऑक्सीडेशन हाफ इज डन, नाउ लेट्स डू रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ ठीक है, MnO4 माइनस गिव्स MnO2। चलो अभी इसको बैलेंस करना है, मैंगनीज मैंगनीज बैलेंस्ड, काम खत्म। चार ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, तो यहां क्या करो, दो वाटर कर दो, ठीक है, चार ऑक्सीजन है, दो और दो चार, चार ऑक्सीजन। अभी यहां क्या है, चार हाइड्रोजन, तो फिर चार हाइड्रोजन कर दिए। अभी चार्ज देखो यहाँ पर कितना है, चार पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पर प्लस थ्री है चार्ज और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं तीन इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन्स, ये ऊ जैसा बन गया, तीन इलेक्ट्रॉन्स, तीन इलेक्ट्रॉन्स, MnO4 माइनस, 4H प्लस, MnO2 और टू वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इनको करते हैं ऐड, कैसे करेंगे ऐड, इधर छह इलेक्ट्रॉन्स है, इधर तीन इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसा करते हैं ये वाली इक्वेशन को ना टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन दो नीचे और छह, छह छह कट जाएगा। चलो लेट्स डू दिस, ठीक है, और हम लोग ये पूरा का पूरा ना एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, अभी अल्कलाइन में कन्वर्ट नहीं किया है, अभी थोड़ी देर में अल्कलाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो Br माइनस प्लस तीन वाटर, यहां वाली को टू से मल्टीप्लाई करना है, छह इलेक्ट्रॉन्स, टू MnO4 को बोलते हैं पर मैग्नेट, ठीक है, टू फोर जा एट एच प्लस गिव्स, ऊपर है BrO3 माइनस, सिक्स एच प्लस, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, टू MnO2 और चार वॉटर, ओके। अब छह इलेक्ट्रॉन्स और छह इलेक्ट्रॉन्स कट गए, इधर कितने हैं H प्लस, आठ H प्लस है और इधर छह H प्लस है, तो छह को ना उधर लेफ्ट में लेकर आ रहे, तो दो H प्लस बचेंगे, मैं ना फाइनल रिएक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा Br माइनस तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, अच्छा टू MnO4 भी एज इट इज रहेगा, तो मैंने ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया, आठ H प्लस है और छह H प्लस है, तो फिर दो H प्लस हो गए, ये वाला भी हट गया, है ना, और कुछ बचा, इधर तीन पानी है उधर चार पानी, तो फिर यहाँ पर BrO3 नेगेटिव प्लस ये भी हो गया, ये और ये, तो टू MnO2 प्लस एक पानी, ठीक है। सो ये हो गई अपनी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बट अभी ये है बच्चों एसिडिक मीडियम में, द मीडियम इज एसिडिक हेयर, इस केस में हमको क्या बनाना है, बेसिक मीडियम में देखो वहां पर तो हमने ये लिखा है, तो छोटा हो गया, लेकिन इधर वो लिखा है बेसिक, बेसिक मीडियम में बनाना है, तो बेसिक में आप कैसे करोगे, इधर H प्लस है, ठीक है, इधर दो H प्लस है, तो आप क्या करो, दोनों साइड दो OH माइनस ऐड कर दो, दो OH माइनस ऐड कर दो, क्यों किया, H प्लस को कैंसिल करने के लिए, OH माइनस लाने के लिए, क्योंकि हमने पूरा एसिडिक का सीखा है ना, बहुत सारी चीजें हमने स्टेप्स लर्न कर सकते हैं ना, इसीलिए जितने H प्लस थे उतने OH माइनस ऐड कर, अभी दो H प्लस और दो OH माइनस, सॉरी नजर आ रहे, मैं यहां पर लिख देती हूं, शायद कॉर्नर में भी नजर ना आ रहा, टू OH माइनस, है ना, अभी दो H प्लस और दो OH माइनस मिलकर बन गया दो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो मैं रिएक्शन को फिर से लिखती हूँ, Br माइनस, 2MnO4 माइनस, इन दोनों को मिलाकर बन गया दो वाटर, गिव्स BrO3 नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस वाटर प्लस 2OH माइनस, ठीक है, और जगह अच्छी मुझे,
लिखते हैं। अब देखो दोनों तरफ तो पानी हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। सो इधर दो वाटर है, इधर एक वाटर है, तो इस वाटर को यहां ले आएंगे और बन गया फाइनल रिएक्शन। दिस वाटर ब्रोमेट 2MnO2 2OH माइनस Br minus plus H2O plus 2MnO4 minus gives bromate plus 2MnO2 plus 2OH minus. Our final reaction. This is our final reaction. Yeah. Apna final reaction. Got it? Sabko samajh mein aaya? So basic medium is very easy. Kya karna hai? Pura acidic medium ka likho. Aur phir uske baad acidic wala final reaction likha. Aur jitne H plus hai, chahe left side, chahe right side. जितने H plus है उतने ही OH minus add कर दो दोनों तरफ। Got it? एक और टाइप का क्वेश्चन कर लें, जल्दी से बताओ। 654 हो रहे हैं, लिख लिया? नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। यस मैम। ठीक है, सो अभी ना एक एग्जांपल मैं चाह रही हूँ करा दूं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। P4 NaOH की प्रेजेंस में बनाता है PH3 और NaH2 PH3 प्लस NaH2। ओके, अब ये हमको रिएक्शन गिवन है। अभी जो ये रिएक्शन गिवन है ना, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे NaOH का काम सिर्फ बेसिक मीडियम लिखने के लिए है कि बेसिक मीडियम में हो रहा रिएक्शन, और कोई रोल नहीं है इसका। ठीक है, अच्छा तो ये हो क्या रहा है। पहले ना मैं इसको आयंस की, अच्छा पुराना वाला समझ में आ गया था ना, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। मैं जबरदस्ती का सिलेबस से रश करना नहीं चाहती कि पता चला पुराना समझ में आया नहीं और मैं आगे का बता रही हूँ। पुराना वाला सबको आया है ना समझ में? यस मैम। गुड, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो बच्चों इसके अंदर ना जब आप आयोनिक फॉर्म में लिखोगे ना, P4 प्लस OH माइनस गिव्स PH3 प्लस H2PO2 माइनस 1। आयनिक फॉर्म, Na प्लस खटा तो H2PO2 माइनस 1 लिख दिया। नाउ ये हमने रिएक्शन लिखा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, पंगा क्या है? एक ही फास्फोरस है, OH माइनस, तो सिर्फ यही बता रहा है ना कि बेसिक मीडियम में इसका तो कोई रोल है ही नहीं, इसको भी हटा देती हूँ। अभी इसका मतलब क्या हुआ, फास्फोरस से ही PH3 भी बन रहा है, फास्फोरस से ही H2PO2 माइनस 1 भी बन रहा है, तो अभी हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो बहुत आसान है। अब क्या करो, एक और P4 लिख लो। P4 तो लिख सकते हैं ना दोबारा से, क्योंकि इसके दो तीन मॉलिक्यूल्स होंगे ही, है ना। तो मैंने दो बार लिख लिया। अभी एक से बन रहा है ये और दूसरे से बन रहा है ये। इस वाले के अंदर दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का 0 0, यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस 3 होता है। माइनस 3 ना, डार्क कर दो। माइनस 3 और यहाँ पर हो गया कितना, हाइड्रोजन का 2 × +1, फास्फोरस का x 2 × −2 −1, 2 + x − 4 −1, x − 2 −1 +1। सो नाउ ये मिटा रही मैं, आप लोग को आता है कैलकुलेट करना। ओके, 0 से −3 गया रिडक्शन, 0 से +1 गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हाफ को अलग से बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग से बैलेंस करो, ठीक है। मैं जल्दी से लिख रही हूँ बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ P4 से बना रहा है H2PO2 −1। इधर सबसे पहले क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करो एक्सेप्ट H और O, चार फास्फोरस बैलेंस। अब इधर है ऑक्सीजन कितने, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर 8 वाटर लिख दो, ठीक है। थोड़ी जगह कम बच गई ना, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अरे तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, इधर 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन है, तो फिर मैं 8 वाटर लिख दूंगी। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस्ड, ठीक है, 4 × 2 = 8 और 8 वाटर लिख दिया, ऑक्सीजन बैलेंस।
अब देखो हाइड्रोजन 4 टू जा 8 और इधर 8 टू जा 16, तो यहाँ पर 8 H प्लस, ठीक है। सो हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस्ड। अब देखो चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पर कितना है 4 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 4 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। देखो 8 वाटर प्लस फॉस्फोरस गिव्स 4 H2PO2 माइनस प्लस 8 पर H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, ओके। सो ये तो हो गया अपना ऑक्सीडेशन हाफ। अब आ जाओ बच्चों रिडक्शन हाफ में। P4 से बन रहा है PH3, ठीक है। फिर से मैंने ऐसे करके लिख दिया, 4 फास्फोरस, 4 फास्फोरस, ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन कितना है 4 3 जा 12, तो फिर 12 H प्लस, 0 चार्ज 12 पॉजिटिव, तो फिर 12 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इनको कर देते हैं ऐड। ऐड कैसे करेंगे इनको, इधर 12 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 12 और 4 3 जा 12, 12 12 कट जाए, ठीक है। सो ये बन गया 3 8 जा 24 वाटर, 3 P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 H प्लस, P4 गिव्स, यहाँ पर आ जाओ फिर से, 3 4 जा 12, H2PO2 नेगेटिव, 3 8 जा 24 H प्लस, 3 4 जा 12 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर यहाँ पर 4 PH3। अब जल्दी से मुझे इसमें हेल्प करो प्लीज, यहाँ पर क्या है 12 इलेक्ट्रॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स कट गए, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 3 फास्फोरस और 1, 4 तो है P4 प्लस ये और अब 24 वाटर इधर है और इधर कोई वाटर है क्या, इधर वाटर नहीं है, तो 24 वाटर भी कर देते हैं प्लस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 12 H प्लस है उधर, उधर 24, ठीक है, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, गिव्स आ गया 12 H2PO2 माइनस प्लस 24 में से 12 गए, 12 H प्लस प्लस 4 PH3, ये हुआ अपना फाइनल रिएक्शन। बट द प्रॉब्लम इज कि दिस इज एन एसिडिक मीडियम, हमको इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चों 4 फास्फोरस, 24 वाटर, 12 H2PO2 माइनस, 4 फॉस्फीन और 12 H प्लस, तो इसको बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 H प्लस है ना इधर, तो 12 OH माइनस और इधर 12 OH माइनस, तो क्या बन गया फाइनल रिएक्शन, 4 फॉस्फोरस, 24 वाटर, 12 OH माइनस गिव्स 12 H2PO2 माइनस प्लस 4 फॉस्फीन, और ये 12 H प्लस और 12 OH माइनस मिलकर बन जाएगा 12 वाटर, ठीक है। सो ये 12 वाटर, राइट साइड 12 वाटर है और लेफ्ट साइड 24 वाटर है, तो बेटा आप लोग इसको जो है काट कर लिख सकते हो, 24 में से 12 गए 12, फाइनल रिएक्शन 4 फॉस्फोरस, 12 वाटर, 12 OH माइनस गिव्स 12 H2PO2 माइनस प्लस 4 फॉस्फीन, ये बना अपना फाइनल रिएक्शन। बट थोड़ी सी इसके अंदर हेरफेर करनी है, सब जगह ना 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए क्योंकि 4 का मल्टीपल है ना, पूरी रिएक्शन को 4 से डिवाइड कर लो एंड द फाइनल आंसर विल बी फॉस्फोरस
तीन पानी प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व ओएच माइनस गिव्स फोर थ्री जा एच टू पी ओ टू माइनस प्लस स्पीड फाइनल रिएक्शन बच्चों फाइनल ठीक है थोड़ी जगह कम पड़ गई इधर अपना फाइनल रिएक्शन दिस इज आवर फाइनल रिएक्शन आई होप आप लोग को इससे समझ में आया हो रिएक्शंस को बैलेंस करना एसिडिक मीडियम में भी बता दिया बेसिक मीडियम में भी बता दिया इन दो मीडियम पूछते न्यूट्रल नहीं बोलते कोई भी ठीक है मोस्ट मैच का सोचमैन होगा ही नहीं सब कुछ कट कुट जाएगा ठीक है यही पूछते हैं बस ठीक है इसको था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग से करो फिर दोनों को एड कर दोनों को एड इस तरह करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कट जाए फाइनल आंसर आ जाएगा क्लियर बच्चों समझ में आया यस चलो गुड